اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معزز سامعین گرامی قدر، عزیزم طالبات، واجب الاحترام، آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت کے خدا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حج و زیارات کے مواقع پر خواتین کے نماز جماعت کے مسائل، مسئلہ جماعت، سب سے مشکل اور پیچیدہ مسئلہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج پر عمرے پر جانے والے یا کربلا مولا اور دیگر مقدس مقامات پہ جانے والوں کے لیے وہاں پر منعقد ہونے والی جماعت میں شرکت کا طریقہ. اس کے دو واضح فرق ہوں گے، ایک شیعہ امام جماعت، ایک غیر شیعہ امام جماعت. یعنی اگر ہم زیارات کی بات کرتے ہیں تو شیعہ امام جماعت، اگر عمرے اور حج کے دوران ان خاص مساجد کی بات کرتے ہیں جہاں پر شیعہ جماعت نہیں ہوتی تو وہاں پر غیر شیعہ امام جماعت. تو پہلی بات تو بہت واضح کہ کچھ نمازیں ہیں کہ جو نہیں پڑھی جا سکتی برادران اہل سنت کی جماعت کے ساتھ اپنے وقت کے مسائل پر. ان میں وہ خاص نماز جس کو نماز مغرب کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف فقہا کے درمیان ہے، وہ اپنے مقام پر کہ آیا یہ جو اذان ہے مغرب کی کیا یہ کفایت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی نماز مغرب کا وقت ثابت ہو چکا ہو، یا الفاظ کو بدل لیتے یہ ثابت ہونا کہ کیا یہ اذان جو ان کے یہاں پر ہوئی ہے کہ یہ اصل مغرب سے پہلے ہو گئی ہے. تیسری بات، اگر اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ مدینہ کی مسجد ہو یا مکہ کی مسجد ہو، اذان کے بعد اب مکبر نے اقامت کہتے کہتے 10 منٹ اور لے لیے، بیچ میں گیپ آ گئے، اب آیا آپ کا وقت مغرب شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وقت مغرب شروع نہ ہو امام جماعت کے تکبیر کہتے وقت، بڑا نازک سا مسئلہ ہے،
लेकिन रकत अव्वल तमाम होते होते या रकत अव्वल का रुकू शुरू होते होते वक्त मगरिब तो हो ही जाता है। अब ये इतना आसान मसला नहीं है, हर एक के लिए इतना आसान नहीं है कि वक्त को दर्द करे सिवाय वक्त को समझने वालों के। फिर जमात में शमूलियत का तरीक़ा एक तो बहुत आसान है कि आप अव्वल तकबीर से शुरू करते हैं जमात। तो अगर किसी गैर शिया इमाम जमात के पीछे नमाज जमात पढ़ी जा रही हो तो उसकी नीयत क्या होगी नंबर एक, नीयत के बाद तरीक़े कार अदायगी का क्या होगा नंबर दो। नीयत होगी, लोग कहते हैं कि जी फुरादा की नीयत से पढ़ लीजिए, जमात में खड़े होकर फुरादा की नीयत से ये कैसे मुमकिन है। लेकिन शायद कहने में ज़रा सा कुछ गलती हो गई, शायद मुराद यही थी जो शरीयत ने बयान की। और ख़ास तौर से आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह सिस्तानी का मसला कि अगर इंसान गैर शिया इमाम जमात की इक्तदा में मगरिब की बात छोड़ दीजिए, नमाज ईशा, नमाज फज्र, नमाज जहर, नमाज असर, इन नमाजों में शिरकत करता है, मैंने जानबूझकर जुमे का नाम नहीं लिया है क्योंकि जुमे का मसला बाकी नमाजों के मसाइल से मुख्तलिफ है। गैर शिया इमाम जमात के पीछे जुमे की नमाज नहीं हो सकती किसी भी एतबार से, किसी भी मराजे उज़्ज़ाम के फतावा के एतबार से। वहदत की खातिर, उम्मत के इत्तेहाद की खातिर आप जमात में शिरकत तो कर सकते हैं लेकिन जुमे की नमाज नहीं होगी। उस जुमे की नमाज में शिरकत करते हुए आप कोई और नमाज फज्र अपनी कज़ा दो रकत जमात के साथ पढ़ सकते हैं, और जब उनके जुमे की नमाज तमाम हो जाए तो फिर अपनी जहर की नमाज और असर की नमाज आपको पढ़ना होगी। लेकिन जुमे की नमाज के अलावा बाकी नमाजों में अगर इंसान शरीक होता है, नियत क्या करे, नियत करे जमात की, नंबर एक। नंबर दो, जमात की नियत के साथ साथ अपनी तिलावत सूरहाए कुरान खुद करे। गैर शिया इमाम जमात की इक्तदा में तरीक़े नमाज जमात, ये बड़ा ऐसा मसला है कि कहीं आपस में मसाइल मखलूत ना हो जाएं। शिया इमाम जमात के मसाइल अलग हैं और गैर शिया के अलग। तो गैर शिया इमाम जमात के पीछे मक्का और मदीना या दीगर इत्तेहाद के मकामात पे नमाज पढ़ना हो तो नमाज में शिरकत कीजिए, जमात की नियत कीजिए, और जमात की नियत करने के बाद अपनी सूरह अलहम्द और अपनी दीगर सूरहाए कुरान जो आप नमाज में पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़िए। अब रहा एक मसला, मसला ये आएगा कि हमने सूरह इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ ली और इमाम जमात ने सूरह यासीन के चार रुकू पढ़ दिए, या सबसे मुश्किल नमाज जमात मदीने की मस्जिद में जुमे के दिन फज्र की नमाज होती है, इसमें अक्सर औकात चार सजदों के बजाय पांच सजदे होते हैं, यानी वो सूरे पढ़े जाते हैं जिनमें सजदा वाजिब होता है। उसका मसला भी अलग होगा क्योंकि एक के बाद एक मसाइल मरबूत भी हैं और ज़रा समझने के लिहाज से ज़रा सा दिक्कत तलब भी हैं। हम एक आम नमाज की बात करें, नमाज ईशा हो, नमाज ज़ोहर हो, नमाज असर हो, या आम नमाज फज्र हो, इमाम जमात की पीछे जमात की नियत कीजिए और फिर सूरह अलहम्द और दीगर सूरह कुरान की तिलावत कीजिए। अगर ऐसा हो कि इमाम जमात की तिलावत अभी बाकी और जारी हो और आपकी ख़त्म हो जाए तो अब क्या कीजिएगा, खामोश खड़े रहिए? तो खामोशी
नमाज को बातिल कर सकती है, क्योंकि आप जमात की नियत किए हुए, लेकिन इक्तदा जमात की शक्ल में और तरीका फुरादा का, तो इसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना है आपको, कि आप अब आप इमाम जमात की तिलावत पर अपनी नमाज को कायम नहीं कर रहे, आप अपनी तिलावत खुद कर रहे हैं, तो फिर आप उस खाली वक्त को जिक्र खुदा से मुकम्मल कीजिए। सुबहानअल्लाह 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 इला आखिर, कि वो इमाम जमात का सूरा तिलावत मुकम्मल हो जाए। और रुकू इमाम जमात के साथ, रुकू से उठने के बाद इमाम जमात गरिश या इमाम जमात एक बहुत तवील वक्फा लेते हैं। अब्बास उलमा कहते हैं ये कुनूत भी पढ़ा जाता है इनके यहां, मगर हाथ उठाए बगैर, मगर आवाज नहीं आ रही होती कि क्या पढ़ रहे, यानी समय अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद खड़े हो गए और खड़े होकर बहुत देर तक वो खामोश है। आपने क्या करना है, आपने जिक्र खुदा करना है। जिक्र खुदा सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह, जिक्र खुदा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस खाली गैप को भी आपने फिल करना है जिक्र खुदा से। फिर दो सजदे मुकम्मल करने के बाद इमाम जमात जो गैर शिया है वो सजदे से सीधा उठकर खड़ा हो जाता है, और रकअत दोवम में और रकअत चहारुम में, जब तशहुद नहीं पढ़ना है इस रकअत के बाद, तो उसमें वो सीधे खड़े होते हैं। यानी क्या मतलब, वो सजदे से उठकर बैठते नहीं हैं, बल्कि सजदे से ही उठते हुए अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाते हैं। हमें ख्याल करना है कि हम पर वाजिब है कि हम सजदे मुकम्मल करने के बाद पहले बैठें। और बज़ाहिर एक छोटी सी बात के बड़ा अच्छा लगता है कभी कभार, और हर अच्छी लगने वाली चीज़ जो है वो शरीयत में नहीं जायज़ होती, कि वो जो आमीन कहते हैं ना, पूरा एक माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे दरो दीवार भी आमीन कह रहे हो। लेकिन हमारी फिका के लिहाज से आमीन कहने से नमाज बातिल हो जाती है। बातिल क्यों हो जाती है, कहते हैं ये कुरान का लफ्ज नहीं है। आमीन आमीन है, आमीन नहीं है। खैर ये मौजू फिर कुरान के हरूफ पे चला जाएगा। तो नमाज जमात, अच्छा वो छोटा सा मसला कि गैर शिया इमाम जमात के पीछे हमें बड़ा ख्याल करना होता है कि हम रफ़ यदैन बहुत कम करें। रफ़ यदैन यानी हाथों को उठा के तकबीर कहना, इनके यहाँ पर क्योंकि रफ़ यदैन नहीं है और हमारे यहाँ मुस्तहबात में शामिल है, और अगर जमात में खड़े हों और आप अपने आप को नुमायाँ कर दें तो फिर मुश्किलात आपके लिए हो सकती हैं, तो रफ़ यदैन को छोड़ सकते हैं। हाँ अगर आप ऐसे इलाके में नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ पर सारे मोमिन खड़े हुए हैं, ठीक है फिर तो मुश्किल नहीं, लेकिन अगर जहाँ सारे दूसरे लोग खड़े हुए हैं, दीगर लोग खड़े हुए, वहाँ आपको ख्याल करना है कि कोई ऐसा काम ना करें इससे अंगुश्त नुमाई हो कि ये शिया, अच्छा ये शिया, ये सबसे अलग नमाज पढ़ रहे। रफ़ यदैन, उसके अलावा कुनूत पढ़ते हुए रकअत दोवम में, इनके यहाँ तो कुनूत नहीं है, आपके यहाँ कुनूत है, तो आप हाथ उठाए बगैर कुनूत पढ़ें
अगर सब के साथ खड़े हुए हैं और कोई मखसूस शिया आपके साथ पूरा एक मजमा मौजूद नहीं है तो अपने आप को नुमाया ना करें कि आपने हाथ उठाया और कुनूत पढ़ना शुरू कर दी। हाथ उठाए बगैर कुनूत पढ़ लीजिए। हालांकि बिल्कुल अजीब लगता है, हम लोग आती हैं कुनूत जब तक शुरू होता ही नहीं जब तक हाथ ना उठाया जाए, और जैसे ही हाथ नीचे किए कुनूत खत्म हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है ना। खैर, वहां मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में कुनूत बगैर हाथ उठाए भी पढ़ा जा सकता है, जमात में हो या जमात के बगैर, अपने आप को अंगुश्त नुमाई से बचाने के लिए जमात के मसाइल में। तशहुद पढ़ते हुए इनके बहुत तवील पढ़ा जाता है अत्तहियात, और अत्तहियात के साथ फिर वो तमाम चीज़ें ये पढ़ते हैं जिसकी आवाज़ आप तक नहीं आ रही होती। तो हमने क्या करना है? क्या इजाज़त है हम अपना तशहुद पढ़कर अपना सलाम पढ़ लें, अपना सलाम पढ़कर अपनी तस्बीह भी पढ़ लें? हो सकता है जब तक उनकी वो तशहुद ही चल रहा हो तो इजाज़त है कि आप अपना तशहुद पढ़ने के बाद अपना सलाम पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बेहतर ये है, आदाब जमात का तकाज़ा ये कि आप उनके साथ दें। साथ कैसे दें? इतना लंबा तशहुद तो हमें याद नहीं है, फिर जिक्र खुदा। अब जिक्र खुदा तशहुद मुकम्मल करने के बाद सलाम पढ़ने के बाद जिक्र खुदा करते रहे, और जब वो सलाम अपने जमात का मुकम्मल कर लें तो आप फिर अपने एतबार से ताकीबात में मशगूल हो जाए। तो नमाज जमात में शिरकत का यह तरीका आगाए सिस्तानी और आगाए खुई। मसाइल तो बहुत सारे हैं नमाज जमात के हरम के अंदर, जिनमें खास मसला आता है, शायद ख़वातीन के लिए तो कभी मुमकिन हो कभी ना हो, और हो सकता है मुमकिन भी हो जाए कि अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ हो कि वो काबे के एक तरफ खड़ा हुआ है और इमाम जमात काबे के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है कि बीच में से काबे को उठा दीजिए तो ये दोनों आमने सामने हो जाए, फिर जमात कैसे होगी? तो इस जमात को नाम दिया गया इस्तेदारा, यानी दायरे वाली जमात। नंबर एक। नंबर दो, मस्जिद हराम में बेसमेंट की नमाज जमात। हमारे यहां तो आपको ये फिकही मसला मालूम कि इमाम जमात को जमात से ज़रा सा पस्त खड़े होना चाहिए या बिल्कुल बराबर खड़े हों, या ज़रा सा इमाम जमात का मुसल्ला नीचे हो उस मकाम से जहाँ लोग खड़े हुए हैं, बुलंद ना हो। ऐसा ना हो कि इमाम जमात किसी चबूतरे पे खड़े हुए हों और बाकी लोग उसके नीचे जमात में सब बना लें। आप सोचिएगा कि वो बेसमेंट, अब तो बेसमेंट का मसला शायद तकरीबन हल हो गया है कि मस्जिद हराम की मौजूदा तौसी के एतबार से वो बेसमेंट जो है अब उसे खाने काबा के ग्राउंड लेवल के लिहाज से कर दिया गया। लेकिन एक ज़माना था जबकि ग्राउंड लेवल ऊंचा था और बेसमेंट नीचे था, और इमाम जमात बहरहाल ग्राउंड लेवल पर खड़ा होता था। तो इमाम जमात ऊंचा हो गया और नमाज पढ़ने वाली लोगों की सफ़ें वो बेसमेंट तक पहुंच गई। या तीसरी बात, इनका तो अजीब कैफियत है, वो अभी मस्जिद वहां पर मौजूद है, वहां तक कौन जाए? खड़े हुए सब बना ली, यहां से वहां तक पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ।
और एक सफियां बन गई, एक हुआ बन गई, एक हुआ बन गई, बीच में पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ। यानी कोई इत्तेसाल जो आपके ये मसाइल में है जमात के, कुछ भी नहीं। इसमें एक बहुत सिंपल सा और आसान सा मसला, पहली बात तो कि अगर आपने नियत जमात की है और तरीक़ा फुरादा का इख्तियार किया तो आपकी नमाज बिल्कुल महफूज है। लेकिन अगर आप आयतुल्ला खुमैनी और आयतुल्ला खामनाई के फतावा के लिहाज से जमात में शिरकत करो तो वो दोनों मराज उज़ाम फरमाते कि आप जमात की नियत भी करें और जमात के तरीक़े पर नमाज मुकम्मल करें। यानी जैसे कि शिया इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ी जाती है, वैसे भी पढ़ सकते हैं उनके नज़दीक, वो भी इत्तेहाद उम्मत के मसाइल। अलबत्ता आयतुल्ला खामनाई के फतवे के एतबार से ये आधा नमाज में तो चलेगा मसला, नमाज कज़ा में इसकी गुंजाइश नहीं। बल्कि बाज़ उलमा के एतबार से कि तमाम मराज उज़ाम के नज़दीक बेहतर सूरत हाल यही है कि आप नियत करें जमात की और तरीक़ा रखें फुरादा कर और नमाज पढ़ ली। अब जो फासले का मसला आया, वो काबे के आमने सामने होने का मसला आया, इमाम जमात के वो बेसमेंट का मसला आया, इसमें तमाम का जवाब बहुत आसान सा है कि अगर बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक ये तरीक़ा जमात का दुरुस्त हो और आपने जमात की नियत करके फुरादा तरीक़े पर नमाज मुकम्मल की हो तो ये आपकी नमाज दुरुस्त है। ये तो रहा मसला उन आम नमाजों का, अब रह गया सिर्फ जुमे का मसला, दोबारा दोहरा देता हूँ, और जुमे के दिन फज्र की नमाज का मसला और नमाज मगरिब का मसला। पहले हम बात करते हैं नमाज मगरिब के मसले। अगर कोई इंसान इतनी सलाहियत रखता हो कि वक्त को पहचान ले कि मगरिब शरई हुई कि नहीं हुई, और तकबीर कहते वक्त इमाम जमात की अगर गुरूब शरई का वक्त हो गया तो वो अदा की नियत से जमात को ज्वाइन कर सकता, और अगर तकबीर कहते वक्त गुरूब शरई का वक्त नहीं हुआ तो ये अपनी इस नमाज को नमाज मगरिब कज़ा की नियत से जमात के साथ बजा लाए, और जब ये नमाज मुकम्मल हो जाए जमात की तो फिर अपनी नमाज मगरिब अदा और अपनी नमाज ईशा उसके बाद पढ़ लें। यही तरीक़ा उनके लिए जो वक्त को पहचानने पर कादिर नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसा हो कि अलहम्द शुरू हो चुकी हो इनके नमाज जमात की मगरिब की नमाज में रकत अव्वल में, और अलहम्द शुरू होने के बाद ये वक्त मगरिब दाखिल हो जाए, तकरीबन हो जाता है इल्ला उन अयाम में कि जब किसी मुश्किल सूरत हाल में ये लोग जैसे ही अजान होती है फौरन नमाज शुरू कर देते हैं। बाज़ दिनों में ऐसा होता है मक्का और मदीना में, अजान ख़त्म हुई काम शुरू हो गई। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता कि अजान के बाद वक्फा हो और वक्फे के बाद इतना टाइम मिल जाए कि आप नमाज मगरिब का वक्त हासिल करें। तो अगर अलहम्द अभी आधी हुई और वक्त मगरिब दाखिल हो गया आपका तो आप नियत अदा करें और फिर तेजी के साथ अपने अलहम्द को मुकम्मल करें। अगर उसके बाद सूरा पढ़ सकें तो सूरा पढ़ें, अगर ना पढ़ सकें तो अल्हम्द पर इक्तफा करें। ये नमाज मगरिब का तरीका,
और ये तो बड़ा खौफनाक सवाल आ गया कि सऊदीया में क्या हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं? नहीं, अल्लाह ने हाथ खोले हुए हैं और हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। हाथ बांध के नमाज पढ़ना सिर्फ तकिया की सूरत हाल में होता है। और शिया अफराद क्या हाथ खोल के नमाज पढ़ें? जी हाथ खोल के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम मालिक के मानने वाले भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। और आप जो गए हैं वो शिया होने की बुनियाद पर हज पर गए। आपको गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने जो हज का वीज़ा दिया है तो ये पूछ के दिया कि आप शिया या गैर शिया। लेकिन ये जो हम मसाइल बयान कर रहे हैं ये उसके माहौल के एतबार से हैं कि जहाँ पर आपको नमाजें पढ़नी है। क्या एक खातून महरम के बगैर हज या उम्रे पर जा सकती है? फ़िक़े जाफरिया के एतबार से जा सकती है, अलबत्ता अगर सऊदी गवर्नमेंट जाने ना दे तो मजबूरी है। कभी कभार फेक महरम बनाए जाते हैं, यानी ऐसे फेक महरम के कारवान की इंतजामिया बनाती है कि ये आपके भाई और ये आपकी बहन, ये आपकी भतीजी, ये आपके चचा, ये आपके मामू, ये आपकी भांजी, इस तरह के। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो जानते हैं, सऊदी गवर्नमेंट वाले जानते हैं ये शिया है ना, इनके महरम जो है फेक होते हैं, तो मुश्किल भी हो सकती है। खैर, मगरिब बात मुकम्मल हो गई, अब आइए नमाज फज्र जुमे का दिन। आमतौर पर ये मक्के में कम होता है और मदीने में ज़्यादा होता है। मदीने मुनव्वरा में जुमे के दिन फज्र की नमाज अगर सूरह सजदा पढ़ दी जाए, वो पढ़ते हैं, उनके बड़ा सवाब इसका, यानी ऐसा सूरह जिसमें सजदा करना वाजिब है। तो आपने क्या करना है? आपने जुमे के दिन फज्र के वक्त में मस्जिद नबवी में जाना ज़रूर है, सवाब बड़ा है, जमात में शिरकत भी करना है अलबत्ता, या जमात से पहले अपनी नमाज अदा पढ़ लीजिए और बाद में जमात को बतौर तजदीद नमाज फज्र के पढ़ लीजिए, या जब नमाज जमात में ये पांच सजदे हो जाएं और आपने सजदा करना ही पड़ेगा, पांचवा सजदा जो अगर आपने ना किया तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप सजदा कर लीजिए पांचवा भी, उनके साथ नमाज बातिल हो गई आपकी, और उस जमात के बाद अपनी नमाज फज्र फुरादा पढ़ लीजिए। और जुमे की नमाज में शिरकत वाजिब नहीं आप पर, और अगर शिरकत कीजिए तो अपनी जुमे की नमाज, उनकी जुमे की नमाज में अपनी फज्र की नमाज कज़ा पढ़ें दो रकत, उसके बाद फिर अपनी जहर की नमाज और असर की नमाज को फुरादा अंजाम दीजिए। मस्जिद हराम में देखा गया कि नमाज नीचे हो रही है और लोग पहली दूसरी मंजिल पर जमात अदा कर रहे हैं, ये नमाज उस वक्त दुरुस्त है जबकि नियत जमात की हो और तरीक़ा फुरादा का हो। और इस तरीक़े पर अहले सुन्नत की फ़िक़ी मसाइल में जमात दुरुस्त होती हो, जो कि होती है, तो आपकी नमाज भी दुरुस्त है। हज में औरत अगर साहिब इस्तेतात ही बुढ़ापे में हुई हो और बदनी इस्तेतात नहीं हो और व्हील चेयर इस्तेमाल करनी पड़े, तब भी हज वाजिब अदा नहीं हो सकता? जी, हज वाजिब की अदायगी में जितनी सेहत शर्त है, अगर वो सेहत नहीं है और उस वक्त हज वाजिब हुआ है तो फिर ये बाज़े मराजे उज़्ज़ाम कहते हैं नियाबत करवा लीजिए, बाज़े कहते हैं हज वाजिब ही नहीं हुआ है, तो बेहतर है कि अगर गुंजाइश हो तो नियाबत करवा ली जाए, नियाबत के मसाइल को जानने के बाद। खुदा से दुआ करते हैं परवरदगार हज के एतबार से, उम्रे के एतबार से हरम की बातें हुई, इस्तेतात की बातें हुई, परवरदगार तूने ही रिस्क अता किया और रिस्क में बरकत भी तू ही देता, इतनी बरकत अता फरमा के हज पर हज कर सके और बामार्फत हज कर सके और ऐसा हज कर सकें जो ज़माने के इमाम के साथ किया जा रहा, और हमारे हज को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत भी अता फरमा दे। और परवरदिगार
तमाम तशरी अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। साहिबान ईमान की मुश्किलात को दूर फरमा, ख़ास तौर से सरजमीन हिजाज पर जो मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। Al-Najm, Al-Najm.